हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल में डॉक्टर और अस्पताल संचालक गिरफ्तार, अवैध रूप से कर रहे थे सोनोग्राफी। भीनमाल जालौर मार्ग पर स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में गुरुवार शाम करीब 7:15 बजे PCPNDT जयपुर की टीम ने दबिश देकर अस्पताल संचालक मुकेश बाफना और डॉक्टर JP प्रजापत को हिरासत में लिया। टीम ने सोनोग्राफी मशीन को कब्जे में लिया। इतनी बड़ी कार्रवाई से जहां पूरी शहर में हड़कंप मच गया, वहीं कार्रवाई शुरू होने तक पुलिस और प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। मामले में सामने आया कि अस्पताल के पास सोनोग्राफी करने का अधिकार ही नहीं था, बावजूद कायदों को ताक पर रखकर सोनोग्राफी की जा रही थी। दरअसल PCPNDT एक्ट के तहत संबंधित डॉक्टर भी सोनोग्राफी नहीं कर सकता। एक्ट के तहत सोनोग्राफी के लिए सख्त नियम है। 3 दिनों से एक महिला डमी ग्राहक के तौर पर यहाँ पहुंच रही थी, जिसे अस्पताल में चल रहे गोरख धंधे को ट्रेस करने के लिए भेजा गया था। आखिरकार गुरुवार शाम को महिला की ओर से टीम को इशारा करने पर टीम की ओर से मुकेश बाफना और डॉक्टर गंगाराम प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही के दौरान महिला भी साथ थी। टीम ने डॉक्टर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मशीन भी जब्त कर ली गई। टीम की ओर से गिरफ्तार किए गए अस्पताल संचालक मुकेश बाफना और डॉक्टर JP प्रजापत को शुक्रवार को ACJM कोर्ट भीनमाल में दोपहर बाद पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से अभियोजन अधिकारी भोपाल सिंह राठौड़ और आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नंदपाल सिंह देवड़ा पैरवी करेंगे। फिलहाल जिले भर में अस्पताल संचालक की गिरफ्तारी से चर्चाओं का बाजार गर्म है। भीनमाल से जागरूक TV की रिपोर्ट।